उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का बुधवार को निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार को अमेरिका में अंतिम सांसें ली। उनका पिछले कुछ समय से फेफड़े से संबंधित बीमारी का अमेरिका में इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। साथ ही उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पिथौरागढ़ से विधायक प्रशांत पंत को रावत सरकार में बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवान सदस्य के रूप में जाना जाता था। साल 2017 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर वे मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल थे। उत्तराखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले वित्त समेत आधा दर्जन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रकाश पंत राज्य की राजनीति में विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। उनकी योग्यता के चलते उनका मंत्रिमंडल में अहम स्थान था। जमीनी स्तर पर भले वो चुनाव लड़ने के लिए जगह जगह ठिकाना बदलते रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही वो पिथौरागढ़ से फिर विधानसभा पहुंचे, सीएम की दौड़ में भी सबसे आगे माने जाने लगे थे। वर्ष 2012 में पिथौरागढ़ से विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें उपचुनाव में मैदान में उतारा गया था। तब सितारगंज विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री रहते हुए विजय बहुगुणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पंत हार गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सादगी से राजनीति के शिखर पर आगे बढ़ने के लिए मैदान में डटे रहे। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके प्रशांत पंत की संगठन में मजबूत पकड़ थी। संघ के नेताओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के करीबी थे। यही कारण था कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। साथ ही सीएम पद के लिए भी उन्हें मजबूत दावेदार माना गया था। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके प्रशांत पंत संसदीय ज्ञान का खजाना थे। उनके इस ज्ञान का उनकी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी कायल थे। यहां तक कि विरोधी दल के नेता भी उनसे संसदीय ज्ञान हासिल करने से नहीं चूकते थे। राज्य की राजनीति में बड़े ओहदे पर होने के बावजूद उन्हें घमंड नहीं था। सोशल मीडिया पर अपडेट रहने के साथ ही वो लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब भी देते थे। उनके जवाब में भी विनम्रता झलकती थी। कभी उन्होंने आवेश में आकर किसी तरह का पोस्ट किया और ना ही अपने विरोधियों को कोसा। बेहद सादगी और सज्जनता से वो जवाब देते रहते थे। अब प्रकाश पंत इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी सादगी और विनम्रता के लिए वो हमेशा ही जाने जाएंगे।